नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है हजरत खालिद बिन वालिद और एक चुड़ैल का वाक्या। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। ऐसा क्या खास है? उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू खबर के मुअज्जिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नज़्म निगरानी अरबों के मुतल्लिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल अज इस्लाम ज़माने जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। उस वक्त इनके तीन बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें तीन बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मनात और इज़ा थे। इन तीनों में से आज हम आपको इज़ा नामी देवी के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। इज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही इज़्ज़ा का मंदिर था। नज़्म-ए-गिरामी, वादी नखला वही जगह है जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक ग्रोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबायल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी इज़्ज़त देवी के मंदिर में तमाम लोग इज़्ज़त देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़त की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। अगरचे उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाके थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि इज़्ज़त देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहायश वादी नखला में पाए जाने वाले एक तीन झाव के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थी तो इन्हीं के बल पर वो इज़्ज़त देवी के बुत से आवाजें निकालती थी जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुवतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताजीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फतेह मक्का के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़त देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी जोरों शोर से कर रहे थे। चुनांचे इज़्ज़त देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को, जिनको सैफुल्ला का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नज़्म-ए-गिरामी, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ही थे जिन्होंने कैसरो किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख में एक बुलंद मुकाम हासिल है बल्कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को आलमी तारीख में भी सफ़े अव्वल के सिपा सालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो का मुकाबला कैसरो किसरा की अजीम फौजों से नहीं था और ना ही इस दफा आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के मध्य मुकाबले कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्वजल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतेह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद तीन झाव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो तीन झाव वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले तीन झाव वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। यह किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है।
तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां तीन जौ वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले तीन जौ वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के तीन जौ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के तीन जौ वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुर्द कर दिया। वापिस जब खिदमत अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ऐ खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन ग्रामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे तीन जौ वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस मरतबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबी सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उस कभी शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ए इज़ा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी ओढ़नियां उतार डाल क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दोचार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो इज्जा से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज्जा, मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलीलो रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज्जा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज्जा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले तीन जौ के दरख्त को भी काट डाला और इज्जत देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उकाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाक्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक्य को सुनने के बाद फरमाया कि ऐ खालिद, ये इज्जत थी, अब आइंदा अरबों में इज्जत ना होगी और ना ही इज्जत की इबादत की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, वो दिन था और आज का दिन है, उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताज़ीम समझी जाने वाली इज्जा का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वैसे तो इस वाक्य का जिक्र इस्लामी तारीख की बहुत सी कुतब में दर्ज है लेकिन हमने ये वाक्य आप तक पहुँचाने के लिए तारीखी किताब बलूगुल अदब की जिल्द सोम का सहारा लिया है। ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके ये सारा वाक्य खुद भी पढ़ सकते हैं। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगे। जहाँ तक ये वीडियो देख के हमें समझ में आया, जो हमने देखा इस वीडियो, मतलब कि तीन मतलब की देवियाँ थी, उनके बारे में इसकी स्टोरी बताई गई है कि तीन देवियाँ थी, उसमें से एक देवी जो शैतान थी और उसकी मतलब की, जहाँ तक हमें समझ में आया है कि जो उनकी जो जान थी किसी पेड़ में मतलब की कैद थी और राजा ने मतलब कि जो मतलब कि इनके राज धर्म गुरु थे उन्होंने उसको काटने के लिए बोला, उस पेड़ को काटने के लिए, और उन्हें दो बार काट भी दिया। जब तीसरी बार काटने गए तो एक मतलब कि चुड़ैल जो सामने, जो इसकी मेन टाइटल का नाम भी है इसमें चुड़ैल का वाक्य, जो हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, वही चुड़ैल सामने आ जाती है और उसका भी वो अंत कर देते हैं। हाँ, मतलब जैसे कि इस वीडियो में जैसे बताया गया कि जो स्टार्टिंग में जो तीन देवियाँ होती है उनमें से जो एक चुड़ैल होती है, मतलब वो लोग जो उनकी जो पूजा करते थे, मतलब एक तरह से इबादत करते थे, तो वो एक तरह से मतलब बुरी थी, मतलब चुड़ैल थी वो, और वो लोगों को पता नहीं था।
तो उनकी मतलब सही शक्तियाँ क्या कुछ कह लो, मतलब जो इस वीडियो में थे, मतलब एक तरह से उर्दू जो वर्ड थे वो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट थे समझने के, जितना हमको समझ में आया हम आपको उतना ही एक्सप्लेन करेंगे। तो वही मतलब तीन पेड़ थे, फिर वो खालिद बिन जो उनके राजा होते हैं वो खालिद बिन वालिद को बोलते हैं कि मतलब वो पेड़ काट के लाओ, मतलब जो भी पेड़ दिखे तुम्हें तीन सिरे वाला कुछ ऐसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे काटते हैं, फिर पहला काटते हैं, फिर कहते हैं कुछ तुम्हें ऐसा अनहोनी सा महसूस हुआ हो, बोलते नहीं, फिर दूसरा भी ऐसे, फिर जाके तीसरी बार काटते, तीसरी बार वो चुड़ैल सामने होती है, तो फिर वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ ये वो, फिर वो अपनी तलवार से उसकी गर्दन में काट देते हैं, वो मम्मी पे जल के ख़त्म हो जाती है। तो इस बस इस वीडियो में बस यही एक वाक्य बताया गया है। और फिर बाद में उसकी मतलब जो तीन देवियाँ थी, एक देवी की लोग पूजा नहीं करते, और आज के हाँ टाइम आज के भी टाइम पे भी उसका नाम लेना मतलब कि मतलब नहीं लेते नाम, और किताबों में भी उसके मतलब कोई वाक्य नहीं बचा बचा। और ये उनका मतलब कि एक कहने का वो था कि हाँ कि ये देवी तो पूजा मत करो, ये पूजा करने लायक नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से बनाएं। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। दोस्तों।